साहब ये बताएं कि ट्रीटमेंट शुरू होने के कितने टाइम बाद जो है वो मरीज को कोई ना कोई बेनिफिट या फाका होना शुरू हो जाता है? उसमें ये रिस्पांस बहुत वेरी करता है, जैसे कि मैंने पहले हमने जैसे डिस्कशन अभी हम कर रहे थे कि किस स्टेज पर मरीज आया। अगर तो मरीज़ ऐसी स्टेज पर आया कि जो कि समझिए अगर मैं पांच बीमारियों के नाप लूँ और पांचों के पांचों से चीज़ें वहाँ मौजूद हैं तो फिर तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इलाज से पहले और बाद में एक्सरे करवाना कितना अहम है? देखिए हर चीज़ को अब तो ये दौर है डॉक्यूमेंटेशन का, तो और हम डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले हैं, मतलब हमारे सिस्टम में हम बहुत बिलीव करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, अंधेरे में इलाज नहीं होना चाहिए। एक्सरे ही हमें बताएगा कि क्या डैमेज है, कितना डैमेज है, और एक्सरे ही हमें बाद में बताएगा कि हमारे ट्रीटमेंट से उसको फ़ायदा क्या होगा। तो डेफिनेटली ये पहले भी और बाद में भी एक्सरे ज़रूर होते हैं, और हमारे तो ट्रीटमेंट में एक्सरे हम जो करते हैं बेसिक वो हम तो करते हैं अपनी प्लानिंग के लिए, ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए हमारे एक्सरे होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस में यूज़ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट के बाद जो है वो मरीज़ दूसरे तरीके इलाज भी यूज़ कर सकता है या इस्तेमाल कर सकता है, जैसे मसाज है, फिजियोथेरेपी है, इस तरह के? फिजियोथेरेपी तो हमारे अपने ट्रीटमेंट का पार्ट है जो हम करवाते हैं और बताते भी हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। मैं अपने मरीजों को एक्सरसाइज खुद भी समझाता हूँ और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी समझाते हैं, और बाकी जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है मसाज तो हम स्ट्रांगली अगेंस्ट हैं, क्योंकि कोई बंदा कोई नेक का मसाज कराना चाहिए। अच्छा। नेक एक बहुत सेंसिटिव एरिया है और मैं समझता हूँ अपनी गर्दन पे किसी और को हाथ डालना नहीं, डालने देना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पक्की बात। डॉक्टर साहब अक्सर लोग और मसाज के हवाले से मैं एक दो चीज़ें जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ अपने मरीजों के बारे में कि वो अपने काम करने वाली हैं उनके घर में आई होती हैं तो जो मैडम होती हैं वो कहती हैं जरा मेरी कमर दबाओ, और काम करने वाली थकी होती है तो वो हाथ तो इस्तेमाल नहीं करना चाहती, वो मैडम को उल्टा लिटा के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब मैं तमाम ख्वातीन को जो इस वक्त देख रही हैं मैं एडवाइस करूंगा कि किसी को अपनी कमर पर सवारी की इजाज़त बिल्कुल ना लें, वो बड़ा ख़तरनाक काम है। हाथ से हल्का फुल्का मसाज करें। डॉक्टर साहब केकेटी जो ट्रीटमेंट है ये सर्जरी से किस तरह से मुख्तलिफ है, जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास? देखिए सर्जरी की अफादियत से इनकार मुमकिन नहीं, सर्जरी की अपनी एक जगह है और ये केकेटी की अपनी जगह है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ। सर्जरी में फ़र्ज कीजिए कि डिस्क इतनी ज़्यादा प्रोट्रूड कर चुकी, मैं इजाज़त दें तो मैं ये इस्तेमाल करूँ कि नॉर्मल जो है ये अगर आप इसको फोकस कर लें, ये एक मॉडल है जिसमें एक मोरा ये है एक मोरा ये जो दरमियान के एरिया है इसको डिस्क बोलते हैं। ये दरमियान के एरिए में डिस्क है, ये पीछे से वो नर्व गुजर रही है जो कि स्पाइनल कॉर्ड इसमें से निकलती है जो ब्रेन का मैसेज लेकर पेरिफेरी तक जाएगी और पेरिफेरी से ब्रेन तक आएगी। अब ये देखिए आप अगर नज़दीक से देखें तो ये बिल्कुल डिस्क के पीछे ये नर्व पड़ी हुई है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नॉर्मल है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये जब प्रॉब्लम होती है तो ये किस शक्ल में हो सकता है। अब ये उसकी बीमारी वाली शक्ल है, ये अब आप देखिए जॉइंट के क्या कंडीशन हो जाती है, स्पॉन्डिलोसिस इसको बोलते हैं। अब यहाँ से डिस्क को प्रेस हुई और ये पीछे की तरफ निकल आती है, इसको हम कहते हैं डिस्क प्रोलैप्स। अब ये जब डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगी तो ये नर्व के ऊपर जो पीछे निकल रही है इस पर प्रेशर डाल देती है। अब अगर ये प्रेशर इतना शदीद हो जाए कि किसी एरिया की मूवमेंट ख़त्म हो जाए, फर्ज कीजिए पाँव की मूवमेंट ख़त्म हो गई, अचानक सुबह उठे पाँव की मूवमेंट तो नहीं, या पेशाब रुक गया अचानक, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। ये सिचुएशन ऐसी है कि फौरी तौर पे ये डिस्क अगर नहीं निकाली गई और फौरी तौर पे इस नर्व को इस कंप्रेशन से निजात ना दी गई तो ये डैमेज परमानेंट हो सकता है। यहाँ तो सर्जरी एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, बिल्कुल, और इमीडिएट रिक्वायर्ड विद इन सिक्स आवर्स, ये इमरजेंसी है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, यही कंडीशन है, और ये सिचुएशन नहीं है कि कोई नर्व इतनी शदीद दब गई है कि वो फंक्शन ख़त्म हो गया, मूवमेंट ख़त्म हो गया, पेशाब की रुकावट हो गई, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो फिर आप केकेटी करवा सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि इवन अगर ये इमरजेंसी भी हो गई है तो फिर भी आप ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो कर लें, लेकिन उसके बाद आपको करवानी पड़ेगी। उसकी रीज़न मैं आपको समझाता हूँ क्या है। रीज़न ये है कि पहले ये सोचिए, अभी तक जो मैं समझता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि हमारी एडवांसमेंट है वो ये है कि अभी तक जब हमने ये चीज़ देखी स्पाइन के अंदर तो वो अगर आमतौर पे कहा जाता है ये डीजेनरेटिव है,
डीजेनरेटिव से मुराद ये होती है कि इंसान की उम्र के साथ उसके अंदर ऐसी तब्दीलियाँ आईं जो कि उम्र के साथ लाजमी हैं। जैसे मेरे बाल सफ़ेद होने थे, हुए हैं, कोई नहीं रोक सकता। बाल गिरने हैं, वो गिरेंगे। चेहरे पे छिकने पड़नी है, वो पड़ेंगी। इसी तरह हड्डी में तब्दीली आनी है, वो आएगी। एक हद तक तो ठीक है, चलिए 60-70 साल उम्र हो गई, मान लिया डीजेनरेटिव। लेकिन अगर कोई लड़का 22 साल का है, 25 साल का है, आपकी उम्र में डिस्क होती है, तो इसको तो आप डीजेनरेटिव नहीं कहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये यंगर एंड यंगर पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। उसकी वजह यकीनन डीजेनरेशन नहीं है, लेकिन चूंकि एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है और हम उसको डीजेनरेशन का लेबल लगाकर, और पहले हम कह रहे थे डीजेनरेशन 60 के बाद होती है, फिर हमने कहना शुरू किया 40 के बाद होती है, अब हमने कहना शुरू किया 30s में शुरू हो जाती है। तो ये टोटल एक मैं समझता हूँ कि एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है, और मैं आज आपकी तवसुत से कोशिश करता हूँ कि मैं इसका कोई प्रॉपर आपको आंसर दे सकूँ। मैं अक्सर परेशान होता था कि जब मुझे किसी पेशेंट को ये ओपिनियन देनी पड़ती है कि जी, एक पेशेंट आया कि मेरे बाएं घुटने में दर्द है, मैंने उसके दोनों घुटने के एक्सरे कराए, एक घुटने की स्पेस बिल्कुल ठीक है, दूसरे की बिल्कुल ख़त्म है, इस तरह की हुई है। अब अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि भाईजान आप तो हो गए हैं 70-60 साल के हो गए हैं, इसलिए आपके घुटने में ये डीजनरेशन है, तो मैं हमेशा ये कहते हुए डर रहा होता था कि वो मुझसे ये ना पूछ ले कि मैं दाएं घुटने पे 60 साल का क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल, ये बड़ा जेन्युइन सवाल था जो मैं कहते हुए भी मैं डरता था, लेकिन कह देता था, क्योंकि हमें सिखाया यही गया कि यही कहना है। लेकिन जब से मैंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया और मुझे इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया है, तो अब मुझे बड़ी आसानी से मुझे पता है कि किसी पेशेंट को सिर्फ लेफ्ट में या सिर्फ राइट में क्यों पेन होती है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे KKT का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, जो अभी तक आम नहीं हुआ, और इवन डॉक्टर्स भी अभी इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे। आप अक्सर देखेंगे कि किसी का एक शोल्डर नीचे और एक शोल्डर ऊपर है। बिल्कुल, तो जब भी ये चीज़ देखें तो इमीडिएटली आपको KKT में रुजू करना चाहिए, चाहे आपको उस वक्त तक सिम्टम्स आए हैं या नहीं आए। ये बेस्ट टाइम, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर साहब, हमने बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम को क्योर करना है, ये नहीं कि हमने सिम्टम्स को देख जी। बिल्कुल, वो अलाइनमेंट जब ठीक हो जाएगी तो प्रेशर्स ठीक हो जाएंगे, स्पाइन के जो नर्व्स हैं उन पर प्रेशर ठीक हो जाएंगे, और उससे रिलेटेड जितने इफेक्ट्स हैं वो भी खुद बखुद ठीक हो जाएंगे। ये जो हम कहते हैं ना बैक बोन, तो मैं तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा, आपके टीवी का नाम भी आ जाएगा। इट इज़ अ बैक बोन टू अ हेल्दी लाइफ।